तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एक कोलाब वीडियो लेकर आऊंगा, तो मैंने लेकर आया है, यही है एक कोलाब वीडियो। इसमें वी एनिमेशंस हमें वे साथ कोलाब करेंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक है नबिता स्ट्रेचर आइलैंड, रिलीजिंग डेट कंफर्म्ड इन इंडिया एंड स्टोरी लाइन एक्सप्लेन। इस बार हम बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम स्टोरी लाइन इसी स्टोरी लाइन को ही और भी लंबा बनाकर थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। इसमें तो इतना डिटेल नहीं होगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। तो पहले इंट्रो लगा लेते हैं ना, तो इंट्रो डालता हूँ। लिंक नीचे है, प्लीज उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा रेस्पॉन्स देने के लिए। तो प्लीज उस वीडियो को भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हर बात और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह में सबसे बहुत आसानी से मुझे पता चल गया कि ज्यादा रिसर्च नहीं कर किया है अभी तक, तो ज्यादा कर रहा हूँ अगर रिसर्च तो मुश्किल है, ट्राई कीजिए तो आपको भी पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने जितना रिसर्च किया है उतने में मुझे ये पता चला है कि ब्रह्मान हर मूवी 2-3 सालों में लीडर्स में तो पक्का आया है। सब देखते हुए तो पहले वाला बोल सकते हैं वो पहले उन्होंने बना के रख दिया था, बस उन्होंने इस वक्त टेलीकास्ट किया ऐसे बोल सकते हैं। तो जब मैंने उस मूवी को देखा तो मुझे ग्राफिक्स से तो यही लगा कि वो ओल्ड ही, उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया वरना उसका रीमेक पार्ट बना के और भी हाई क्वालिटी से लाते ना, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है। और बात में मुझे नहीं बताया, मुझे मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। तो यही है, अब तो 2020 में अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कोई मूवी सब कुछ एक ही साथ दो कभी ना कभी तो लॉन्च करेंगे। जैसे कि मेरे दोस्त थे और उसने बहुत सारे वीडियोस को शेड्यूल कर दिया है,
एक वीक या दो वीक से वीडियो को बना ही रहा है, ये अपलोड ही नहीं कर रहा। अपलोड करता है तो यू ही न्यू एपिसोड, यू ही कैसे भी न्यू वाइस ओल्ड वाइस वाइस जैसे है वैसे अपलोड करते रहते हैं। ऐसे है, वो भी कर रहा था बस मिराकुलस के एपिसोड्स। आगे में उसने अब मेगा वीडियो सब एक साथ लॉन्च कर दिया है, सब कुछ एक साथ शेड्यूल करके एक एक दिन कंटिन्यूसली वीडियो आ रहा है आजकल। तो ऐसा किया था उसने, तो ऐसा है डिज्नी चैनल भी कर सकता है बता नहीं, क्योंकि डिज्नी चैनल ने तो 2020 में एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया जैसे दिखा है, इससे तो ऐसा ही लगता है। मगर अगर डिज्नी चैनल ने कुछ नहीं किया तो आज तक ऐसा कभी हो सकता है क्या? डेमन का सीजन 18 को भी लाया है ना ऐसे भी, मगर उसे तो रिपीट करके ही दिखा रहे थे उसके एपिसोड को, तो रिपीट कर के मार की जगह तो डिस्टर्बेंस आया। वो अगर तो रिपीट करके ही उसे दिखा रहे थे बार बार, तो उन्होंने क्या तो वो बस ज़्यादा एपिसोड को एक बार में नहीं दिखा रहे थे, यानी उसी एपिसोड को दिखा रहे थे, यानी पहले ही एपिसोड बनाया था, तो उसके बीच में मूवी का डबिंग सब हो रहा होगा, रिमिक्स हो रहा होगा, तो किसे बता, तो इसका हाई चांसेस है। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि डिज्नी चैनल कुछ तो कर रहा था। तो एपिसोड के बारे में बात करें, एपिसोड अभी तक अभी थोड़ा बढ़ रहा है एपिसोड, यानी नए नए एपिसोड हमने शुरू हुआ है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि डबिंग सब कंप्लीट हो गया, यानी उन्होंने जो किए अगर उन्होंने डेमन का ओल्ड वर्ल्ड को निकाल दिया तो ओल्ड वर्ल्ड से सब कुछ बता देते हैं, एक मूवी डब हुआ है तो ऐसे सब उनके यानी न्यू वॉइस से डब हुआ है। वैसे भी नहीं एपिसोड सीजन 18 के उन्होंने ही डब किया था ना, शायद न्यू वॉइस है, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। न्यू मगर ये तो कंफर्मेशन हो गया कि न्यू वॉइस से डब हुआ है, तो न्यू वॉइस से डब उनके कारण ज़्यादा लोग देखने डाउट है, मगर हमारे पास एक चांस है कि हमें डेमन का ऑफिशियल ओल्ड वॉइस एक्टर को उनके उनसे किसी भी करके कांटेक्ट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, तो कांटेक्ट करके हमें ही उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, यही एक चारा है अभी के लिए। तो अगर आप ऐसे हो सके तो आप कर कीजिएगा, नहीं हो सके तो अगर आपको कोई कांटेक्ट करने के लिए कोई वे मिला तो हमें अभी सेंड कर दीजिएगा। वैसे भी मैंने बोला था कि जब मिलेगा तभी हम पर्सनल स्टूडियो से डब करेंगे, डब तो करेंगे मगर सुनना कष्ट मैम के वॉइस से ज़्यादा बेटर होगा ना, तो इसीलिए मैं। और एक और बात, वैसे आइलैंड मूवी है ना वो हमें मिल चुका है मगर जापानीज में, पहले तो हम अगर आप 1 के सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करेंगे और 4000 व्यूज का टारगेट को कंप्लीट कर देंगे तो हम उसका जापानीज अपलोड कर देंगे, और उसके बाद हम अगर आप इसे आप क्या हिंदी डब जाते हैं तो हम इसे पर्सनल स्टूडियो हम फिर डब करेंगे, जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे कि डब हो सही से, तो मैं भी उससे एडवाइस दूंगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं है मदद के लिए, तो कोशिश करेंगे कि सही से डब हो। मगर अगर आपको हिंदी डब चाहिए तो आपको इस चैनल में 1K के बाद 5K
सबको कंप्लीट करना पड़ेगा। व्यूज तो 20K। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मगर ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। मगर नेक्स्ट पार्ट में चलने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये तो फिर से बता देता हूँ क्लियरली, बोल तो 2021 में आ सकता है, मैंने लाइव प्रूफ भी आपको दिखाया अभी अभी। तो हमको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मुझे आपने जो बोला वो सही लगा तो मैं आप इस बार में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी अभी तक फुल्ली श्योर नहीं है, अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। शायद सरप्राइजिंग एक ही दिन में सभी कुछ कंटिन्यूसली अपलोड डालेंगे, शायद एक ही दिन में तो नहीं डालेंगे, मगर उसके लिए एक नया सेगमेंट बन सकता है, पता नहीं। तो अब अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा बात होगा, तो 2021 में रिलीज होगा इतना मुझे लगता है। तो 2021 में या 2022 में, मगर हाई चांस 2021 में ही रिलीज हो सकता है। मगर आप मूवीज डब करेंगे यानी स्टैंड बाय मी डायमंड 2 आया है 2021 में, तो हाउ लिटिल स्पेस वार 2021 आया है इससे पिछले वीडियो में बोला था। इन सबको अगर वो डब करेंगे तो सबको चेक से डालने के लिए 2022 भी हो सकता है। तो पता नहीं कौन सा होगा 2021 या 2022, मगर सब कुछ डालने के लिए करेंगे तो बार बार आता ही रहेगा, इसलिए इतना टाइम लेना डाउट है मुझे, क्योंकि इतना तो जरूर सोचेंगे ना। तो आज के वीडियो को एंड करने से पहले अगले पार्ट को भी देख देते हैं, वैसे भी आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मगर अगले पार्ट को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उसका स्टोरी लाइन समझना है ना। अगला पार्ट में स्टोरी लाइन बताएंगे हमारा ग्री एनिमेशन। तो ग्री एनिमेशन के चैनल का लिंक नीचे है, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, मगर बहुत कम कंटेंट है क्योंकि वो यूट्यूब में अभी नहीं है, मगर बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, तो प्लीज देखिएगा, उनका एडिटिंग बहुत अच्छा है, आपको भी जरूर पसंद आएगा मुझे लगता है। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट से तो वी एनिमेशन आपका हमारे चैनल में स्वागत है।